केडीएच में 900 करोड़ की लागत से बन रहा है साइलो प्रोजेक्ट का काम कर रहे मधुकम कंपनी में अवैध बालू का भंडारण किए जाने की सूचना पर खलारी अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट ने कंपनी के प्लांट के बालू स्टॉक का जायजा लिया। इस दौरान अंचल अधिकारी ने प्लांट के अधिकारियों से स्टॉक रखे बालू के कागजात मांगकर जांच की और चलान रॉयल्टी संबंधित कागजात की फोटोकॉपी अंचल ऑफिस में जमा करने की बात कही। जांच के बाद अंचलाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि मधुकान कंपनी में बालू भंडारण किया है, कितना है इसकी कागजात मांगी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में प्रथम दृश्य बालू का अवैध तरीके से बालू भंडारण किए जाने प्रतीत होता है। ऐसे कागजात की ऑनलाइन जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बालू अवैध तरीके से भंडारण किया गया है या वैध है। खलारी से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लघु खनिज की जांच में आए थे, इसकी सूचना समाचार के माध्यम से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर बालू और पत्थर का भंडारण पाया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा अवैध भंडारण है, परंतु जांच के क्रम में इस कंपनी के द्वारा चालान दिखाया गया है जो कि खनन विभाग को भेजा जाएगा। जांच के बाद जो भी होगा वो इस कंपनी पर कठोरतम से कठोरतम, अगर गलत होती है तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आज मधुकम कंपनी में सीओ साहब का आगमन हुआ। यहाँ पर जो बालू गिट्टी हमारे पास उपलब्ध है उसकी जानकारी हासिल की गई। उनके जिज्ञासा का एक अहम मुद्दा था कि ये जो बालू है वो किस प्रकार का है। हमारे तरफ से बताया गया है कि ये बालू वैध है, इसका चालान मेरे पास उपलब्ध है, चालान भी उन्हें दिखाया गया है और वो संतुष्ट भी हुए हैं। इस चालान का प्रतिलिपि कल उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।